डमसर आप ठीक तो हैं? हाँ हम ठीक है, बस थोड़ा सा डर गए। मैडम सर, आपने हमें बात करने के लिए बुलाया, वो मीरा के बारे में। हाँ हाँ, नहीं नहीं बैठिए, मीरा के बारे में नहीं, वो किसी और चीज के बारे में बात करनी है। जी बताइए ना। सच कहें तो ऑनेस्टली हमें समझ में नहीं आ रहा है हम बात कैसे करें। किसी सयाने ने हमें कहा है कि जब कोई मुश्किल बात आप ना कह सके तो उसका एक ही तरीका कहने का कि उसे बस कह दिया जाए। हम जानते हैं, लेकिन ये बात दरअसल थोड़ी सी पेचीदा है, हम सीधा सीधा बताते हैं। क्या आपके साथ कभी कुछ पैरानॉर्मल चीजें हुई हैं? कुछ आसपास किसी स्पिरिट का या किसी आत्मा का एहसास, जो आपको पता है कि एहसास हो रहा है लेकिन आप पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते? मतलब ऐसी भूत टाइप फीलिंग है लेकिन आपको भी लगता है कि जो ये साजिया नाम का औरत है ये सच में भूत है? मैडम सर, S.H.O हसीना मलिक, जिनको लोग बीरबल, शर्लॉक होम्स, चाचा चौधरी और पता नहीं ऐसे कितने अलंकारों से सुशोभित किया जाता है, उन्हें भूत दिख रहे हैं? मैडम सर, सब हंस के गिर जाएंगे, बता रहे हैं आपको। अरे मैडम सर, नहीं करिश्मा सिंह, रहने दीजिए। हमने आपको दोस्त समझकर हमारी इतनी एम्बैरेसिंग आप बात आपको बताई। अगर हमें पता होता कि आप मजाक उड़ाने वाली हैं तो हम कभी बताते ही नहीं। नहीं 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 मैडम सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम बस ऐसी चुटकी ले रहे थे, आपके मूड का बस एडवांटेज उठा रहे थे। और जहाँ तक बात रही ये इस बात की, तो मैडम सर आप भी जानती है, भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दिमाग का वहम है और आंखों का छल है मैडम सर। ना हमारे सामने आया ना भूत, हम ऐसा डंडा दिखाएंगे ना उसको, बताएंगे कि डंडे के आगे भूत नाचते हैं। हमारे सामने कोई भूत आए तो सिर्फ इसका चोटी पकड़ के आपके सामने नीला के पटक दिया, तुम्हारा नाम करिश्मा सिंह। हाँ आप सही कह रही हैं, और ये बात किसी को बताना मत। नहीं नहीं मैडम सर, आपस की बात। चीते उठ, चीते उठ। एक बात बोलनी थी तुझे। बोलिए ना, बोलिए ना संतोष जी। लड़कियों को ना कामचोर लड़के पसंद नहीं चीते, ठीक है? जो काम चोरी करते हैं, ड्यूटी अच्छे से करते नहीं है, सोते रहते हैं ड्यूटी पर, उससे 5 किलोमीटर दूर जाती है लड़की, ठीक है? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और काम पे ध्यान दे थोड़ा। गजब गजब संतोष जी, आपको हमारा कितना ज्यादा फिक्र लगा रहता है। हम पक्का वादा करते हैं कि इस चीज पर हम सोचेंगे। बस 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 निठल्ले बक बक बंद कर, चाय बोल दे, मुझे बहुत सुस्ती आ रही है। चाय बोल दे, हमारे बाबूजी का नौकर लगे हैं, चाय बोल दे। हम बकवास करते, तो भूत के चक्कर में इतना डरे हुए ऐसा बकवास कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए चाय बोल दिया। क्यों, मैंने तुझे बोला चाय के लिए? मुझे नहीं बोला। अरे बदनाम आ गया है चाय लेकर, बदनाम स्पेशल। तो वहाँ से ब्लूटूथ से पिलाओगे, अंदर लेकर आओ ना यार। अरे कानून के हाथ लंबे होते, तुम्हारे नहीं, अंदर आओ, आ जाओ। अरे पगला समझो हमको, अरे चाय तुमको पीना है तो बाहर आके पिएगा। अरे हम सब जानते हैं अंदर भूत है, अरे हमको मरना नहीं है। अबे भूतिया थाना नहीं है, आजा अंदर। तुम कहे डर रहा है यार, दुनिया का सबसे डरावना दम पिसाच भी तुमको देखकर चीख मार देगा। चुड़ैलों के इकलौते देवता हो तुम, सब पैर छूके निकल जाएगी, तुम्हारा कोई भूत नहीं, अंदर आओ। हाँ अरे तुम्हारा वजन कम होता ना तो दरवाजे के ऊपर टांग देते तुम्हें। अरे नहीं आऊंगा, मतलब नहीं आऊंगा, मैं लेके आता हूँ। चल चल अंदर चल। अरे नहीं नहीं क्या, अरे हम है ना सब, चल। उधारी मत दे, लेकिन नहीं नहीं। अरे नहीं चल चल। सॉरी 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 चल। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जीता है संतोष, डरने की कोई बात नहीं है, भूत है ही नहीं। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? संतु जी हमको क्या लगता है ना कि हम लोग चुपचाप यहाँ से अभी तुरंत भाग जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? कैसे पुलिस वाला कैसे भागेंगे, दरवाजे तो बंद है। चीटिंग किया तू, चीटिंग। हमारे बाबूजी कहा करते थे जिंदगी में सारा दरवाजा बंद हो जाए, तब 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 क्या, तब क्या? अब बोल, तब ना खिड़की से भाग जाना चाहिए। खिड़की, हाँ खिड़की।
अंदर बाहर नहीं आना चाहिए मैडम जी। बापरे क्या फेस्टिवल सीजन चल रहा है जो भारी यहाँ पे मस्कियाँ हो रही है हाँ काम कौन करेगा भूत शाजिया का भूत का मैडम अंदर कुछ तो गड़बड़ है अंदर शाजिया का भूत है मैं अंदर नहीं जाऊंगी और जहां संतू जी वहां हम और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है विधवा होने के लिए कोई तो चाहिए शादी के पहले घुटनों में दर्द अरे मैडम आप भी मत जाइएगा हमने देखा है तुमने भी भूत देख लिया अरे नहीं भूत का काम देखा बहुत डेंजर है एक साथ तीन तीन दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे बंद करने के बाद लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ डेंजर है मैं दिमाग पिलपिला गया है क्या सबका कोई भूत भूत नहीं होता है समझो हमारी बात को चलिए अंदर चलिए सब अंदर चलिए मेरा वो एसोसिएशन हां उनका मीटिंग है आई एम गेटिंग लेट ओ माय गॉड ए रिक्शा मेरे पापा का फोन आने वाला है मैडम मैं जा रही हूँ हमको संतू जी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है संतू जी बताओ मैडम हमको चाय देने जाना है हमारा बिरयानी थैंक यू आप ही समझते हैं बचा लीजिए मैडम जी यहाँ से बाहर निकालिए मैडम जी वो लोग हमको यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ गए मैडम जी मार डालेंगे क्या भूत 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 कुछ भूत नहीं होता है समझे हम देखते हैं इस भूत को अभी बताते हैं इसको हमारे सामने तो आइए अब डरिए मत कुछ नहीं होगा आपको भूत की मैया की सासु मैया Thank you.
आत्मा आपको भी मार डालेगी मैडम मैडम मार मत जाइए मैडम मेहनत से ये दीवार साफ की थी फिर से वापस वही लिख दी है बिल्लू ये कुछ और लिखा है अच्छा एक बार बताओ क्या लिखा है एक बार बोलना है हाँ हाँ बोल रहे एक गई धीरे धीरे सब जाओगे मेरा घर खाली करो साजिया हेलो मौसी प्रणाम अच्छा फर्स्ट मौसी अरे मौसी तुम कह रहे थे ना कि दुकान गांव में शिफ्ट करो गांव में शिफ्ट कर रहे हैं मौसी और गांव वाले को पूरी बदनाम स्पेशल चाय पिलाएंगे मौसी मौसी ये दुनिया बहुत खराब है मौसी मैं आ रहा हूँ मौसी हाँ हमें भी अम्मी की याद आ रही है हमें भी जाना होगा इकबाल मैडम सर ये करिश्मा मैडम का फोन बाहर झाड़ियों में मिला हाँ मैडम सर ये उनका सर्विस पिस्तौल भी वहीं पर पड़ा हुआ मिला था मैडम सर आसपास हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिली करिश्मा मैडम ओह माय गॉड कहाँ है करिश्मा मैडम ओ कहाँ है करिश्मा मैडम ये आगे का फुटेज भूत ये टेबल भूत हिला रहा है संतोष शर्मा कांपना बंद कीजिए कांप रही हूँ संतोष जी आप कांप क्यों रही हैं संतोष जी का पूरा बॉडी तप रहा है मैडम सर ओह माय गॉड संतोष जी यू आर सो हॉट मुझे लगता है कि हम सबको घर जाना चाहिए उसी में सबकी भलाई है क्यों क्योंकि अपेरेंटली एक भूत ने ऐसा कहा इसलिए आप लोगों को सच में लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं मैडम सर लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता है ना मैडम सर करिश्मा मैडम का गायब होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि कोई तो है मैडम सर जो ये चाहता है कि हम लोग इस थाना को छोड़कर बाहर चले जाएं तो चले ही जाते हैं ना मैडम सर आपका डर हम समझते हैं लेकिन हम ये थाना छोड़कर नहीं जाएंगे ऐसी बेतुकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं और खासतौर पर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक करिश्मा सिंह का पता नहीं चल जाता लेकिन लेकिन आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं हम रोकेंगे नहीं सुनो तो अरे ओहो अब ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है हमको तो ना सही लगता था हमारे थाने की वास्तु जो है ना वही गड़बड़ है मगर अब क्या करें कहां जाएं हाँ भाई साहब वो मरौली मार्केट है ना वहां जाना है चलिए नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकते गाड़ी खाली नहीं अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब गाड़ी तो खाली है ऐसा आपको लगता है दीदी क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रही है कौन वो जो पीछे बैठी है कौन पीछे बैठी है उस लड़की की आत्मा क्या किसकी आत्मा क्या बकवास कर रहे हो तुम उसी लड़की की आत्मा जिसे कुछ दिन पहले मैं और एक आदमी इसी टैक्सी से अस्पताल ले जा रहे थे हमें लगा कि वो जिंदा है
पर वो तो मर चुकी थी। लड़की नहीं, लड़की की लाश थी। तो उस लड़की को जो आदमी लेके जा रहा था आपकी गाड़ी में बैठ के, क्या उसकी दाढ़ी थी, नाक लंबी थी, थोड़ा मोटा सा था? हाँ, आपको कैसे पता? अरे वो हम बाद में बताते हैं आपको, पहले ये बताइए कि क्या वो यही लड़की थी? भूत, यही थी वो। इसे कहाँ लेके गए? लेकर तो अस्पताल जा रहे थे, पर अचानक रास्ते से लड़की की लाश हमारी गाड़ी से गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो बैटरी चली गई थी, फिर वो गायब कैसे हो गई? क्या हो रहा है हमारे साथ? मैडम जी सबको जाने दिया, मेरे को भी जाने दो ना, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैडम जी ट्वेल मार डालेगी मेरे को। मैडम मेरे को छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैडम ये चुड़ैल मार डालेगी मेरे को। मैडम उधर मत जाओ। मैडम पागल हो ये क्या? यहाँ तो काय को आई है? पकड़ी जाएगी, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बाबू अभिनेता तो हम भी बहुत गजब रहीन। कैसा लगा हमारा हॉरर शो? स्पेशल इफेक्ट डन बाय मी संतोष शर्मा, लाइट्स इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम इफेक्ट्स डन बाय मी बिलो द स्पॉट। तो तुमने जानबूझकर चोरी करके खुद को पकड़वाया ताकि तुम यहाँ जेल में बैठकर वो कर सको जो करने तुम यहाँ आए थे। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया में सिर्फ दो ही प्लान परफेक्ट है, एक जो हो ना सका और दूसरा जो होने वाला है। तुम्हारे प्लान में भी कुछ खामियां थी जिनका फायदा हमने उठा ही लिया। यही है ना वो महीन धागा, इनविजिबल स्ट्रिंग, जिसके बेसिस पर तुमने ये पूरा हॉरर शो क्रिएट किया, कुर्सी दरवाजे बंद करना, ग्लास गिराना। ये
और ये वो स्पीकर्स जिसके बेसिस पर तुमने साउंड इफेक्ट क्रिएट किया, वो भी सब कुछ आसानी से बैठे बैठे अपनी जेल में। मैडम सर, वन क्वेश्चन रेज, मतलब ये लॉकअप में बैठे रहीन तो ये कैसे किया इसने? क्योंकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया। है? तो किसके साथ किया? इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। मैडम सर, वन क्वेश्चन रेज, मतलब ये लॉकअप में बैठे रहीन तो ये कैसे किया इसने? क्योंकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया। है? तो किसके साथ किया? इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। काम शुरू करने के लिए तैयार रहना और हाँ, फोन चालू रखना। हाँ हाँ, अपने आदमी दरवाजे पर रेडी हैं, लाइट के पास मैं भी रेडी हूँ। कहाँ है करिश्मा सिंह? हम न बताओ मैडम जी, तुम्हें जॉन करें का कर लिया, हम कुछ न बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच हमें बता दो। नहीं मैडम जी, अब कोनो परवाह नहीं रही गई, कम से कम जॉन कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी भांजी के लिए कर रहे हैं। भांजी? हाँ, हमने अपने आप को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था और अपना नाम बताया था अरविंद, जबकि हमने आपसे झूठ बोला था। हमारा नाम अफजल है और हम शाजिया के छोटे भाई हैं। शाजिया का छोटा भाई? एक मिनट, लेकिन शाजिया और नवाब साहब की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो फिर ये भांजी कहाँ से आई? नवाब साहब जब साजिया को छोड़े रहे ना, साजिया हमारी पेट से थी, और हालांकि ये बात नवाब साहब को नहीं पता रही है, लेकिन हम बता रहे ना, उनको पता होती ना तब भी वो यही करते, कहे से कि वो साजिया को छोड़ना ही चाहते थे। क्यों? कहे ना मैडम जी, हमारी जो साजिया दीदी रही ना, बहुत अच्छी थी, वो हमेशा बराबरी की बात किया करती थी। कहने का मतलब उनका कहना ये था कि लड़का और लड़की के बीच में जो असमानता है ना, वो खत्म होनी चाहिए। वो कहती थी कि जब नवाब साहब के लड़कों को सारे हक मिले हुए हैं तो बिटिया लोगों को काहे ना मिलेगा। हम आपको बताएं, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने ना नवाब साहब की जो बाकी बीवियां थी ना, उनके हक के लिए भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। नवाब साहब नहीं पसंद आया ये, उन्होंने ना हमारी जीजी को अपनी बीवी के हक से बेदखल कर दिया। आज अगर ना नवाब साहब की सारी मिल्कियत का बंटवारा करेंगे ना, ये हवेली जिस पे आप लोग का ये चौकी है, थाना बना रखा है आप लोगों ने ना, वो हमारी जीनत बेटी के नाम जाएगा। दीजिए ना करिश्मा, मैंने थोड़ा सा तो खा लीजिए। पहले कम खिलाया जो अब ये खाना खिला रही हो तुम हमको। हाँ, फिर से सिद्ध हो गया कि हम जो कहते हैं ये जज्बात का भूत जिसके सर पर चढ़ता है उसका बीड़ा गर्क होता है, वो सही था।
चढ़ा हमारे ऊपर जज्बात का भूत, और देखो देखो का नतीजा निकला है। हम यहाँ बंदे बैठे और तुम हमारे सामने वहां खड़ी हो। अब नहीं नहीं देखिए, सॉरी 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 मैडम जी, हमारा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हम तो बस आपको डराना चाहते थे, और आप है कि डर ही नहीं रही थी। ऐसा होता है क्या? अरे थोड़ा सा अगर डर जाती तो हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। आप हमको ही डराने लगी। अच्छा वो आपको जो चोट लगी है ना, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। देखिए वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो घबराहट में गल्ती से। अच्छा खैर छोड़िए सब बातों, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और जल्दी से ये खाना खा लीजिए, ये लीजिए। हाँ नहीं खाना तुम्हारा खाना, समझी तुम? एक सेकंड के अंदर अगर तुमने हमको नहीं खोला ना तो मैया कसम भूत का पता नहीं, लेकिन तुमको मार मार के भूत बना देंगे तुमको, समझी? अरे हम खोलते हैं आपको, खोल देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप उस जगह को खाली कर देंगी और अपना थाना कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो बस 2 मिनट में खोल देंगे हम आपको। मैं टोपा होगा हाँ? थाना शिफ्ट कर दे, क्या बकैती कर रही हो, समझ में आ रहा है तुमको? देखिए हम बस इतना जानते हैं कि वो जगह हमारी है, शाजिया की बेटी जीनत यानी कि हम, हमारी माँ चाहती थी कि वो घर हमें मिले। बहुत कुछ सहा है हमारी माँ ने उस घर को पाने के लिए, इसलिए वो घर सिर्फ हमारा है, और उस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ की यादें रहेंगी और कोई नहीं रह सकता। एंड दैट्स फाइनल। आप लोगों को वो जगह खाली करनी होगी और अपना थाने कहीं और शिफ्ट करना होगा, समझ में आया आपको? मूंगफली का रेडी नहीं है जो उठाकर किसी नुक्कड़ पे रख दिया, समझो थाना है, थाना नहीं हो सकता ये। ठीक है तो फिर यहीं बैठे रहिए, आराम से रिलैक्स करिए। खोलो इसको, खोलो अभी। सुनो। हेलो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अफजल हमारे साथ है और उसने सच कबूल कर लिया है। करिश्मा सिंह को छोड़ दो, हम ये हवेली छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आप सच कह रही हैं? हम कभी झूठ नहीं कहते जीनत, हम पर भरोसा रखो। करिश्मा सिंह को छोड़ दो और हम ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। हम अभी छोड़ रहे हैं उन्हें। खोलो। खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। हमारी हसीना मैम से बात हो गई है, लेकिन प्लीज आप सर अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। कब बात का हुआ उनसे? हसीना मैम मान गई हैं उस जगह को खाली करने के लिए। का? So, मैडम सर, करिश्मा मैडम। करिश्मा सिंह आप ठीक हैं? जयन मैडम सर। जयन मैडम सर। एक मिनट जीनत, अरविंद को रिहा कर दिया है। आपसे कुछ बतियाना है हमको। हाँ हाँ बोलिए। कहा है आपने सरेंडर कर दिया, आपको क्या लगा कि करिश्मा सिंह क्या कोई गोलगप्पा है कि कोई ओंगा पोंगा आएगा और कपक करके खा जाएगा? कहा है आपने ऐसे किया, आपने इनका बात काहे मान लिया मैडम सर? करिश्मा सिंह उस वक्त हमने वही किया जो हमें सही लगा, और वैसे भी अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम जीनत को अपनी जबान दे चुके हैं। सो प्लीज जीनत, हम तुमसे भी बात करना चाहते हैं। एक बात बताओ, हम तो ये थाना छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन क्या उससे तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा? नहीं ना, हो सकता है हमारे जाने के बाद नवाब साहब ये हवेली किसी और को किराए पर दे दें, बेच दें, तुड़वा दें, रेनोवेट करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हें तुम्हारा हक तो नहीं मिल जाएगा। और कितने लोगों को डराकर भगाओगे यहां से? यह हवेली हमारी है। कानूनन नहीं, यह हवेली नवाब साहब की है और वो इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं लीगली। और एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ साथ खानदान की सभी बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए? तुम्हारी अम्मी भी तो इसी बात के लिए लड़ रही थी, उन्होंने जिंदगी भर इतने दुख झेले, अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाने से तुम्हारी अम्मी की रूह को सुकून मिल जाएगा? नहीं, उन्हें सुकून तब मिलेगा जब हर किसी को बराबर का हक मिलेगा, हर बेटी को बराबर का हक मिलेगा। और ये काम हम मिलकर कर सकते हैं, बस तुम्हें हम पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। मंजूर है?
जी। का भूत से डर रहे हैं, थोड़ी देर में खुद भूत बन जाएगा। चलिए ना। अरे छोड़ो, हम तो थाने में नहीं जाएंगे। अरे थाने में भूत है, कुछ नहीं होगा। अरे कमल को छोड़ दो, चलिए चलिए। ये क्या कर रहे हो? उठिए 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 उठिए। नवाब साहब रिलैक्स, हमारी बात सुनिए। हमने आपको दो खबरें देने के लिए बुलाया है, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि जो आपकी बेगम साजिया है, उसके भूत ने इस थाने को तो छोड़ दिया है। क्या बात कर रही मैडम? हाँ। लेकिन बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि इस थाने को छोड़कर वो किसी और में घुस गई है। किसमें? उसमें। अरे मार डाले। गजब काट लेंगे। कैसे नहीं सरताज, मुद्दत हुए आपके दीदार को। थोड़ी खांसी हो गई। नवाब साहब, आपकी बेगम शाजिया का भूत जो है अब संतोष शर्मा में घुस गया है। संतोष? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैडम साहब। मैडम साहब, इसी के पूछिए कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून मनाने कहाँ गए थे? मुझे जल्दी से आप पूछिए। आगरा? हाँ? भूल गए, ताजमहल की चोटी पकड़ के फोटो खिंचाई थी। इससे पूछिए कि दिमागी खलल के लिए हम इलाज कराने कहाँ गए थे? हिमाचल? ये भी भूल गए, वादियों में गाना गा रहे थे। ये हम बाप रे बाप, मैडम सर नवाबवा कैसा आदमी है? जहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने जाना चाहिए था वहाँ पर हनीमून मनाने चले गए, और जहाँ पर हनीमून मनाने जाना चाहिए था वहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने चले गए। उसके बाद भी इतना ज्यादा शादी, और 6 दर्जन बच्चा कहर ऊपर वाले का। मालिक ऐसा करता मैं तो सॉरी 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 मैडम सर सॉरी। मैडम जी, ये तो सब कुछ जानती है। नवाब साहब जानेंगे ना, आपकी बेगम है, सब कुछ जानेंगी। मैडम जी, लेकिन एक सवाल है जिसका ये जवाब नहीं दे पाई। मैडम जी, इससे ये पूछिए कि जब ये अकेले हमारे साथ होती थी तो प्यार से हमें किस नाम से पुकारती थी? पूछिए पूछिए मैडम जी, पूछिए। यहाँ सबके सामने बोलू? वहीं से बताओ, वहीं से। टुल्लू? या खुदा, ये तो सब कुछ जानती है। जानेगी ना नवाब साहब, हम झूठ थोड़ी ना कह रहे थे। आपकी बेगम का भूत जो है हमारी संतोष शर्मा के अंदर आ गया है, जो आपसे बहुत गुस्साई हुई है। ऐसा क्या किया आपने नवाब साहब? देखिए, ये रूम आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमने बंदोबस्त कर लिया है। एक आदमी आ रहा है जो इस भूत को अपने वश में कर लेगा। सच में? हाँ सच में, और का झूठ बोलेंगे। कौन है वो? है बाबा जी, है। आइए बाबा जी। बाबा जी, बाबा। अरे ओ मल्टीपर्पस बाबा, आप दोनों लोग का अगर जुगलबंदी खत्म हो गया तो भुतवा पकड़िए, है ना?
नवाब का कबाब हुआ जा रहा हूँ। इस लड़की का शरीर छोड़ के चली जा, वरना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। नहीं निकलूंगी जब तक ये नवाब अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा नहीं दे देता। नहीं निकलूंगी, सबको मार दूंगी। अच्छा तो भुगत अपने कर्मों के फल। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। नहीं 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 नवाब साहब, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नहीं मारेगी, हमें से किसी को कुछ नहीं होगा। और एक बात बताइए, ये बेगम क्या बकवास किए जा रही है? बेटी का हक, ये कौन सी बात हुई? अरे बेटी को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, ढेर सारा दहेज देकर ससुराल भेज दिया, बस इतना ही बहुत है। अब और कितना हक देना है बेटियों को, बताइए ये क्या बोले जा रही है खामखा? हाँ, वो बात अलग है कि जब आपको प्यास लगेगा ना नवाब जी, तो आपकी बेटी के हाथ में ही पानी का ग्लास होगा। हाँ, जब कभी आपको सहारे की जरूरत होगी तो सबसे पहले हाथ थामने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। आपकी लंबी उम्र की दुआ करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी ही होगी। नंगे पांव चली जाएगी कहाँ तक, कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर, सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने के लिए। समझ रहे हैं बात को? आपके घर को रोशन करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी होगी। उसके भाग्य से ही आपका घर रोशन होगा। और जब आप मर जाएंगे ना नवाब जी, उसके बाद भी अपने बच्चों में आपको जिंदा रखने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। ठीक है, बेटी तो है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, और ये खामखा डर में आकर आपको बेटी का हक देने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में बस ये भूत पकड़ा जाएगा और ये सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल डर के मारे कुछ भी मत कीजिएगा, बेटियों को हक देने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, सारा हक तो बेटों को मिलना चाहिए ना। हम अपनी बच्चियों को उनका हक जरूर देंगे। नहीं 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 नवाब साहब, बिल्कुल भी नहीं, ये डर के आप ऐसा मत बोलिए। कोई बात नहीं, मत दीजिए हक ना, क्या जरूरत है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। हा? नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे, बल्कि आपकी बात का हमें एहसास हुआ है। बरसों से हमारे खानदान वाले नाइंसाफी करते चले आ रहे थे और मैं भी वही नाइंसाफी को दोहराने वाला था, लेकिन अब नहीं दोहराऊंगा मैं। कैसा रिवाज है कि माँ बाप की खिदमत बच्चिया करें और वारिस बेटे कहलाएं? अब ऐसा नहीं होगा, अब हम अपनी बच्चियों को हक जरूर देंगे। नवाब साहब, यही बात अब उनसे कही। शायद साजिया हमें यही बात समझाना चाहती थी, पर हम समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। काश वक्त रहते अगर हम साजिया को समझ सकते, पर ऐसा हो नहीं पाया। साजिया है ना हूबहू बिल्कुल आपकी बेगम शाजिया की तरह, होनी भी चाहिए, उन्हीं की बेटी है और आपकी भी। हमारी बेटी? जी हाँ, जब आप और बेगम शाजिया अलग हुए तब वो उम्मीद से थी। आपको ये बात उन्होंने बतानी चाहिए लेकिन कुछ कारण की वजह से बता नहीं पाई। ये आप दोनों की आखिरी निशानी, जीनत। मेरी बच्ची बेटा, हमें माफ कर दो, हम गुनहगार हैं, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी जान के भी। बेटा, हमारी सारी जायदाद में हमारी सभी बेटियों का बराबर का हक होगा। बहुत बढ़िया। और बेटा, तुम्हारी माँ इस हवेली को चाहती थी जिसमें ये थाना है, तो अब हम ये हवेली तुम्हें देते हैं। नहीं अब्बू,
अब हमें यह हवेली नहीं चाहिए। आज आपके मुंह से अपनी बेटियों के लिए जो हमने सुना, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें हमारा सब कुछ मिल गया। अब्बू, ये लड़ाई अम्मी ने शुरू की थी, आज हम इसे खत्म करते हैं। पर अम्मी भी तो यही चाहती थी ना कि आपकी हर एक बेटी को उसका हक मिले, जो आज आपने दे दिया। अम्मी जीत गई अब्बू। हमें कुछ नहीं चाहिए अब्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, हमको इसी बात पर तो नाज है तुम पर, खुदा सबको ऐसी बेटी दे। वैसे अब्बू, हमारी इस लड़ाई में हमें जिताने में इस थाने का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी बड़ा हाथ हसीना मलिक मैडम का है। तो अच्छा है ना कि ये थाना यहीं रहे, ताकि आगे आने वाले हर इंसान को इंसाफ मिले। और जिन्हें इनकी जरूरत है, उन्हें इन सबका साथ मिले। थैंक यू हसीना मैम, हमारी अम्मी का सपना पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए, और हमें हमारे अब्बू से मिलाने के लिए। ये आपके और आपकी टीम के लिए। अरे हम नहीं थे ना, वरना 2 मिनट में चुड़ैल की सारी चुड़ैलगिरी निकाल देते। इतने सालों का तजुर्बा जो है हमें चुड़ैल से निपटने का, वो तो हमें मैडम सर ने ऑर्डर किया था, इसलिए हम वापस आ गए। वरना हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का। काहे आई, वैसे भी रिटायर तो होने ही वाली है। हमारी वजह से मीरा का देहांत हो गया। इतना बड़ा बोझ लेकर हम पता नहीं कैसे जिए अब। बिल्लू, माँ, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। चलिए चलिए पुष्पा जी, अंदर चलिए, आइए अंदर आइए। हाँ माँ, जाओ उनको टेबल दिखा उनका। आइए आइए पुष्पा जी, थाना में आपका स्वागत है। भूत रिटर्न, कहाँ है भूत? कब भूत 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 दिखता है क्या? वो कोई भूत भूत नहीं है। चलिए चलिए, छू कर आइए पुष्पा। आप जाइए, हमें छू कर देखिए, कुछ नहीं है। नहीं नहीं है भूत, छू कर छूए छूए। अभी भूत का भूत मीरा का मीरा हो जाएगा, देखिए ये देखिए। हाथ दीजिए, अरे ये तो सच में मीरा है। तभी हम सोच रहे थे मशीन की आत्मा कैसे हो सकती है, मशीन का भूत कैसे हो सकता है। मगर ये यहाँ तक आई कैसे? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, जब कुछ निर्धारित घंटों से ज्यादा के लिए मेरी GPS लोकेशन ऑफ रहती है, तो हेडक्वार्टर सैटेलाइट के द्वारा मेरी बैटरी को चार्ज करता है और मुझे मेरी डिफॉल्ट लोकेशन पे वापस भेजता है, जो कि है महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पिन कोड नंबर। पोस्टल क्या एड्रेस पूरा बता दोगी? समझ गए, ठीक है। अच्छा खासा जान छूट गया था मैडम सर भी ना। हाँ मैडम सर से हमें याद आया, अगर ये यहाँ तक पहुँच ही गई थी तो मैडम सर ने हमें बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना था ना मैडम सर को आपको। सरप्राइज, एक और ह्यूमन चोचला। मैडम मैडम, हमको लग रहा है कोई बहुत भयंकर टाइप वाला बिजोड़ याद कर रहा है आपको। जी जी, पानी पीजिए, पानी पी लो, पानी पी लो ना, पानी पिए, पेट देखे फूक गया हमारा, पानी पी लीजिए। चिट्ठी याद भी कौन करेगा, लल्ला तो याद करेगा नहीं ना, सुबह तो उनकी जान छूटी करिश्मा मैडम से। मुसीबत को थोड़ी ना कोई बार बार याद करता है। उफ, ये मुसीबत मोल ले रही है संतु जी। नहीं ऐसा, पुष्पा जी तो डेफिनेटली बोलती ना। क्यों पुष्पा जी? अरे क्या क्या क्यों पुष्पा जी, ऐसा हमने कब कहा? बाबा आपने कल ही तो कहा था। हाँ हाँ, हम भी थे वहाँ पर। जीते, क्यों हमें मरवा रहे हो तुम? हाँ पता है तुम। मीरा मैडम, मीरा मैडम आपको याद कर रही होंगी मैडम।
मशीन मशीन याद नहीं करती, याद दिलाती है चित्ती। किधर है ये मशीन, ये टीन का डब्बा किधर है? अभी क्या निकल गया ना? हाँ हाँ भूल गई, सर्विस कराने गई थी ना, डिपार्टमेंट वालों ने छोड़ा नहीं उसको अभी तक। किधर है वो? यहाँ है मीरा जी। वाह नई ड्रेस, डिपार्टमेंट ने दी होगी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रेस मुझे बिल्लू जी ने दी है और कहा मीरा जी एक बार आप ये ड्रेस पहन लीजिए, मीरा जी मेरा अरमान है कि आप एक बार ये ड्रेस पहन ले, सारी हीरोइनें आपके सामने पानी कम लगेंगी मीरा जी, प्लीज मीरा जी एक बार ये ड्रेस पहन लीजिए ना मीरा जी प्लीज। ह्यूमन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, मैंने पहन ली। बिल्ले तुम तो हमें माँ माँ कहते हो हा? मगर इस माँ के लिए आज तक एक रूमाल तक नहीं खरीद के दिया तुमने और इसके लिए नई ड्रेस। मशीन रूमाल का क्या करेगी, इसीलिए ड्रेस दी ना माँ। सुधर जाओ तुम, सुधर जाने का मार खाओगे यहाँ पे, समझ रहे हो तुम हमारी बात को? अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो थोड़ा, कितनी बार समझाया तुमको, इस मशीन को घर लेके जाओगे तो बिल बढ़ते बढ़ते फिर से चोर बन जाओगे। और तुम थाना है ये, कोई मिस लखनऊ का कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा जो तुम मॉडल बन के घूम रही हो। जाओ चेंज करो, जाके वर्दी पहनो, जाओ। सुनाई आ रहा है हमारी बात? हाँ तो जाओ ना। आप जानती हैं कि मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं लेती, मैं सिर्फ हसीना मैडम को ऑर्डर लेती हूँ। तो हम ऑर्डर दे देते हैं। जाइए मीरा, यूनिफॉर्म में चेंज करके आइए। ओके मैडम सर। बिल्लू ये ड्रेस के पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? तुमने फिर इतना फास्ट, मैं कैसा मैच कर पाऊंगा? फिर से चोरी चकारी तो शुरू नहीं कर दी तुमने? बस क्या मैडम सर, आई एम बिल्लू द स्पाई। बिल्लू को पैसे कमाने के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्लू के बाएं हाथ का खेल है। इसी बाएं हाथ से मैंने गन्ने का रस निकालने की मशीन चलाई, उस मशीन से पैसे कमाए और इस मशीन पे उड़ाए, और उसी से जो पैसे बचे उससे ये मिठाई लाए, और खास करके मीरा जी। मीरा जी नहीं, मुझे कहा स्पेशली कि तुम इस थाने के मेंबर हो तो तुम्हें ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। अब मैंने ठान लिया है कि झोल झपटा बंद, ईमानदारी की कमाई चालू। ही मीरा जी, नो वायलेंस, इट्स अ रिक्वेस्ट। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मीरा की प्रेजेंस में कोई तो सुधर रहा है। 50वीं बार सुधर रही। हाँ लेकिन सुधर तो रहा है ना मीरा जी। ये मिठाई बांटी अपने हाथों से आपके कमबैक के लिए। हाँ हाँ बांट दो मीरा, मिठाई हमेशा बांट कर खानी चाहिए। थैंक यू। ओके मैडम सर, फीडिंग इट, मिठाई को बांट के ही खाना चाहिए। धन्यवाद। नॉट अलाउड, आपका ब्लड शुगर 200 है, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा चलता है। थैंक यू मीरा जी। चलो जाना नहीं है, टाइम हो गया जाने का, आपका लल्ला भी आने वाला होगा। और मीरा जैसा बिल्ले ने तुम्हारे साथ किया तुम भी बिल्ले के साथ वैसा करो, इसे हम इंसान आदान प्रदान कहते हैं, इंसानों को अच्छा लगता है, समझ रही हमारी बात को? हाँ और ये बार बार समझ रही हमारी बात को? और का समझ रही हमारी बात को? बोलना बंद कीजिए, मेरा IQ लेवल आप सबसे कहीं ज्यादा हाई है। हाँ ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है बार बार। मैडम सर हमने सोचा थोड़ा इंसान वाला हरकत सिखाते, वैसे भी अब जाने का टाइम आ गया, 88 दिन बचे हैं, तो हमें लगा थोड़ा इंसानों वाला हरकत सीख जाएंगी तो अच्छा होगा ना इसलिए। हाँ हाँ गुड गुड, अच्छा किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ भी सिखाने से पहले हमें बता दीजिएगा। जी चले मैडम सर। ओके मिलते हैं। जय जय मैडम। जय संतु जी, आराम से रहिएगा, दूध पी के सोइएगा। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, आपके राउंड अप पे जाने का टाइम हो गया है। मैडम हमको मालूम है,
हमारे खोपड़ी में ना ऑटोमेटिक अलार्म फिक्स है, वही हमको उठाता और भेज देता है अराउंड। आपको फिक्र करने कोई जरूरत नहीं मैडम, हम जा रहे हैं। गोली चला दे रही है आप। गजब गजब कहो। सॉरी, बाय मिस्टेक। मिस्टेक में मर जाएंगे किसी दिन हम मैडम। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मैडम, सेवा तो हम करने आए हैं, आपकी हसीना मैडम की। ये क्या है? ये है मिठाई, खाने के लिए। मैं मिठाई नहीं खाती, इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ तो चाय पानी समझ के रख लीजिए, लीजिए। सॉरी, लिक्विड आल्सो नॉट अलाउड। देखिए मैडम, ये ना हसीना मैडम के लिए दिवाली की मिठाई है, देखिए पटाखे भी हैं। दिवाली? हाँ? वो तो अगले साल है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात करूँ जो पिछले महीने गई। तो वो तो गई, तो फिर मिठाई किस बात की? देखिए मैडम, हसीना मैडम ने मुझे कहा था कि दिवाली के बाद देना, वो क्या है ना ताकि किसी को शक ना हो, और वैसे भी आपके डिपार्टमेंट की तो खास नजर होती है ना दिवाली की मिठाई पे। ये लीजिए और उन्हें दे देना बस। सॉरी, आप कल आइए और खुद दे दीजिए। नहीं 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 मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। देखिए मैडम, ये जो बड़े अफसर होते हैं ये खुद थोड़े मिठाई लेते हैं, ये तो जूनियर के जरिए होता है ना लेन देन, तो आप रख लीजिए ना, समझिए। मुझे सिर्फ केस लेना अलाउड है। तो आप इसे भी केस समझिए? केस? हाँ, हसीना मैडम का केस। हाँ हाँ, ओके। तो लीजिए प्लीज। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मिठाई बांट दो मीरा, मिठाई हमेशा बांट कर खानी चाहिए। मिठाई बांट कर खानी चाहिए, मिठाई बांट कर खानी चाहिए। अब होगा असली धमाका जिसकी गूंज पूरा शहर सुनेगा। ठहरिए संतू जी। नहीं 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 संतू जी, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है संतू जी? अनजान चीज है ना, पता नहीं क्या रखा है कटोरा में। ये कटोरा ना सारा टेबल पर पड़ा हुआ, देखिए हमारे टेबल पे भी रखा हुआ है, वहां पे इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। मत छुइए, अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए ना। नहीं नहीं चीते, मिठाई की खुशबू आ रही, मिठाई होगी, बॉम्ब थोड़ी ना होगा। हुआ तो संतू जी। ए निठल्ले बॉम्ब स्क्वाड, क्या चल रहा है रे? बस तुम्हारा ही सजेशन चाहिए था, रहोगे चुप तुम? संतू जी, सबसे पहले ना बॉम्ब डिफ्यूजर ग्रुप को बुलाते हैं, कहे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम आपके जान का खतरा ना मोल नहीं ले सकते हैं संतू जी ना। वाह मिठाई। पुष्पा जी क्या कर रही है? अरे फट जाइएगा, आपका और बॉम्ब का रिश्ता पुराना है। हो गई तुम्हारी बकवास, कहाँ चल रहा है ना ये मिठाई? जय हिंद मैडम। जय, कौन है ये ट्यूबलाइट जो दिवाली का मिठाई दिवाली के बाद खिला रहा है? पता नहीं कौन देकर गया, देखिए ना हमारे टेबल पर भी रखा हुआ है। हमने नहीं खाया। आपने नहीं? अरे वाह मिठाई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद मैडम सर। सबकी टेबल पे रखी है मिठाई। हाँ हाँ, लेकिन आई कहाँ से? मैंने रखे है मैडम सर। तुमने रखी है? क्यों? मैंने आपके ऑर्डर्स फॉलो किए, आपने कहा था कि मिठाई और पटाखे लेने हैं, मैंने ले लिए। एक मिनट मीरा, हमने कब कहा तुमसे? हम तो हसीना मलिक। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अभी पता चल जाएगा किसको किसकी सेवा का अवसर मिलेगा। SHO हसीना मलिक जी, हम ही है। विनय जोशी, एंटी करप्शन ब्यूरो। हमें पता चला है कि आपके थाने में रिश्वत ली जा रही है। क्या? देखिए आप इस तरह प्लीज कोऑपरेट। का कोऑपरेट? आप रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा रहे हैं हम सब पर और आप कह रहे हैं कि कोऑपरेट, का कोऑपरेट करें आपसे? करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, क्या हम आपको रिश्वतखोर नजर आ रहे हैं भाई साहब? हाँ, खून पसीना एक करके ड्यूटी करते हैं हम यहाँ पे और आप कह रहे हैं कि हम रिश्वत लेते हैं? करिश्मा सिंह नहीं मैडम सर, एक लौता फैन है जो खराब है 5 दिन से, उसको ठीक कराने के पैसे नहीं हमारे पास और ये कह रहे हैं कि हम रिश्वत लेते हैं।
आपको पता है कोई त्योहार आता है ना तो बजट बिगड़ जाता है हमारा। किसी का बर्थडे आ जाता है तो हमारा हैप्पी बर्थडे निकल जाता है, क्योंकि क्या है पूरे महीने से उसको पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं ना, और दो चार मेहमान अगर एक्स्ट्रा आ गए तो लग गई। और आप कह रहे हैं कि हम रिश्वत लेते हैं। हाँ मैडम सर, हम समझते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन शांति से। मैडम सर, पुष्पा जी चाहती हैं कि हम बच्चा करें, हम उनका जो है परिवार आगे बढ़ाए, लेकिन हम नहीं कर सकते ना। लल्ला जो पैसा कमाता है, हम जो पैसा कमाते हैं उसमें नहीं हो पाएगा। कैसे फिर हम किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, इस चक्कर में हम बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। और इनको लगता है कि हम रिश्वत खा रहे हैं। देखिए देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। नहीं अम्मा, मतलब पुष्पा जी, हमें तकलीफ होता है जब रिश्वत वर्ड आता है ना, हमको तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है हमको। देखिए, हम यहाँ सिर्फ अपना काम करने आए हैं, और अगर आपको लगता है कि ये इल्जाम गलत है तो फिर आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को बाहर जाना होगा, प्लीज। हमें इस थाने को पूरी तरह सर्च करना है, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हैव सम पेशेंस। और आप ये पटाखे और ये मिठाइयां ले जा सकते हैं। लेट्स कोऑपरेट, चलिए आइए। वो ले लो, आइए करिश्मा सिंह। ये टीम का डब्बा ना मैडम सर, हमने आपको पहले ही बोला था, ये देखो क्या क्या दिखाती है अभी अभी, तो ये पिक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो क्या क्या देखना बाकी हमारे थाने को। इसकी वजह से पक्का इसी ने कोई बवंडर की, हम बता रहे हैं आपको, इसी का ही बवंडर है। लेकिन क्या बवंडर करिश्मा सिंह, अगर किसी ने इंटेंशनली हमारे थाने में कुछ गलत दिया भी है तो भी उन डब्बों में कुछ तो काबिल एतराज निकलना चाहिए ना। उनमें तो सिर्फ मिठाई और पटाखे हैं, उसमें क्या किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है। और देखिए, हम जहाँ तक हमें लगता है वो छानबीन करेंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्लीन चिट मिल जाएगा, सो बी पेशेंट। धानी, हमारी छठी इंद्री कह रही है कि कुछ इस बार ना बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। तुमने घूस खाया ना? घूस? वो क्या होता है? क्या होता? पैसा, नगद, कैश, जो हम ड्यूटी करके कमाते हैं, लेकिन कोई हमें देता है ना बिना ड्यूटी के अपना काम करवाने के लिए, उसको घूस कहते हैं, रिश्वत। समझ रही हो हमारी बात को? ये खाया तुमने? नहीं, ये पैसे हैं, इंसान इन्हें दूसरा भगवान मानते हैं। हाँ, लेकिन जब वो पैसे ऐसे टेबल के नीचे से लिए जाते हैं तो वो रिश्वत बन जाता है। नहीं, टेबल के नीचे से पैसे नहीं दिए गए थे, टेबल के नीचे से सिर्फ मिठाई और पटाखे दिए गए थे। मैडम सर, ये गड़बड़ हुआ है, ये पटाखों में, ये मिठाइयों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। बिल्ले, तुम चेक करो। हाँ, जल्दी चेक करो। नो मैडम, मेरा मैडम इज क्लीन चीट। चलिए, आप सबको अंदर बुलाएं। चलिए जी। हाँ सर, जी जी, अभी वही है सर। जी सर, यहाँ कुछ भी नहीं है सर, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत निकली सर जी, बस निकल ही रहे हैं सर जी। जैन सर, देखिए, हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमारी एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, बट आप सब भी सरकारी मुलाजिम हैं तो समझ सकते हैं कि ऐसी कोई भी टिप आती है तो हमें उसे वेरीफाई करना ही पड़ता है। चीता, अपना थाना निर्दोष साबित हुआ है। मीरा जी, आपको जिसने वो पटाखे दिए थे वो पटाखे हम जला सकते हैं। यस बाबू जी। थैंक यू मीरा जी। चल 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 चल। मिस मलिक जी, जी आप जा सकते हैं प्लीज। चल। कोई भी मुंह उठा के फोन करता है और हमें अपने ही लोगों पर शक करना पड़ता है, ऐसे लोगों का इलाज करना पड़ेगा। पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया था और किसने फर्जी खबर फैलाई।
घर पर कहे लेकर जाओगे पटाखा? यही बजा रहे। अरे यही बजा रहे, जला भी हमारे। माचिस ले, माचिस ले। हमारा थाना निर्दोष साबित हुआ है। हट जाओ। कोई बात नहीं, हटा तो है। चलो जलाओ जलाओ जलाओ। डरना मत। जला भी लौटे। हट जाओ। भाग 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 भी लौटे। भाग भाग भाग। लौटे। ए भाग, छोड़ छोड़, मत पीछे। देखो पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग। सारे पटाखे अभी चेक करेंगे, लेके चलो अंदर। चलो। तो इसलिए थाने की तलाशी में हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बेईमानी का सारा पैसा तो यहाँ छुपा के रखा है इन पटाखों में। नहीं नहीं सर, समझने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मैडम सर को हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो एएसआई मीरा जो है, इन्होंने ये जो भी आया इन्होंने लिया था। कल रात को कोई अनजान आदमी उनको ये देकर गया, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, उनको भी नहीं पता। ये पैसे का जाल है, कोई हमारे थाने की प्रतिष्ठा को भंग करना चाहता है, कोई मैडम सर के खिलाफ ये सब साजिश रच रहा है। हमारी बात मानिए, आप हम पे यकीन नहीं करते ना, आप इनसे पूछिए। ये एसआई मीरा है, इन्होंने लिया था, आपने लिया था, बताइए। ये सच कह रही हैं। कल रात को एक इंसान आया था जो ये पटाखे देकर गया, और हसीना मैडम के इंस्ट्रक्शंस पर ही उन्होंने कहा कि अरे बड़े अफसर थोड़ी ना ऐसे ही ले लेते हैं, वो तो जूनियर अफसर्स के थ्रू ही ये लेन देन होता है, और हसीना मैडम के ऑर्डर्स पर ही इसको एक्सेप्ट किया गया। क्या बोल रही है? हाँ, ये रिश्वत है, क्योंकि इसे टेबल के नीचे से दिया गया है करिश्मा मैडम के अकॉर्डिंग। ये रिश्वत है क्योंकि इसे टेबल के नीचे से दिया गया है करिश्मा मैडम के अकॉर्डिंग। भाई मैया की सासू मैया, क्या चूरन का डब्बा है ये? तो ये चक्कर चल रहा है यहाँ पर, अपने जूनियर्स के हाथों आप रिश्वत लेते हैं यहाँ, और वो भी इस तरीके से। मिस हसीना, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली। अभी थोड़ी देर पहले आप हमें ईमानदारी और सच्चाई की इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, तो ये क्या है? एक मिनट, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए। वो SHO है यहाँ, आप समझे, और अब तक साबित नहीं हुआ है कि ये गलती जो है ये मैडम सर का है। इल्जाम नहीं लगा अभी तक, तो थोड़ा आराम से। सर देखिए, आप खुद ही सोचिए, लॉजिकली ये कैसे हो सकता है कि कल रात को ही कोई आदमी आया, हमें ये सब देकर गया, और तुरंत आपको टिप मिल गई कि हमने घूस खाई है। और अगर हमने घूस खाई ही होती तो हम इस तरह से उसकी खुलेआम नुमाइश क्यों करते? सर ये सोची समझी चाल है, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए मिस हसीना मलिक,
आपकी अपनी ऑफिसर ने कबूल किया है कि उसने आपके ही ऑर्डर्स पर ये सारी रिश्वत ली है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको जो भी कहना है वो आप विभागीय कार्यवाही के दौरान कहिएगा, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। एक मिनट सर, हमें कुछ बात करना है, बात कर ले। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप बता क्यों नहीं देती हैं कि ये टीम का डब्बा मशीन है और आपका कोई गलती नहीं है, सारा गलती इसका है। हम पूरा टंडा खत्म कीजिए मैडम सर, ये आप निर्दोष हैं, इसने किया ये सब। मैडम सर करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप डीएसपी सर को फोन करके बोल दीजिए ना, वो बता देंगे इन्हें सब कुछ सच सच। बता दीजिए मैडम सर। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि ये एक इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। और वैसे भी ये सब जी जितने पैसे मिले हैं उसके सामने हमारे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा। ऊपर से ये डिपार्टमेंट का इतना सीक्रेटिव प्रोजेक्ट जो है उसका भांडा फूट जाएगा वो अलग। मैडम अगर आपका हो गया है तो चलें। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि ये टिप आपको किसने दिया है। आपको हमने कहा ना कि ये चाल है, आप बस नाम दीजिए और हम पे विश्वास रखिए, हम सच आपके सामने लाके देंगे। देखिए करिश्मा सिंह आप बखूबी जानती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और हम इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट के किसी भी सोर्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, हम भी ये इल्जाम कबूल नहीं करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कार्रवाई उठाइए, सच का पता लगाइए, क्योंकि क्या है कि जब तक सच पता नहीं चलेगा ना तब तक मैडम सर को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैडम सर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ठीक है फिर हम आपकी ASI मीरा को लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कबूल किया है ना। अब जो भी कार्यवाही होगी वो हम इन्हीं से शुरू करेंगे। चलिए मीरा जी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लीगल प्रोसेस, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट इसमें ASI मीरा की कोई गलती नहीं है। इस थाने के SHO हम हैं, इसलिए जो कुछ भी हो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। नहीं मैडम सर, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता है, ये गलत है। हाँ मैडम सर जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। मत जाइए मैडम, कहीं मत जाइए। एक मिनट आप सब प्लीज शांत रहेंगे। देखिए करिश्मा सिंह, ये बात तो तय है कि किसी ने हमको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस सिचुएशन से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम उस आदमी को एक्सपोज नहीं करते जिसने ये सब किया है, और ये काम अब आप करेंगे। जमीन आसमान एक कर देंगे, खोज के निकालेंगे उस टोपा इंसान को जिसने हमारे थाने के साथ इतना घटिया हरकत किया है। हम सब मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे मैडम सर, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर। जी मैडम सर। चलिए बहुत बड़ा गलती किया है तुमने, हम तुमको बता रहे हैं। सोचा था 87 दिन बचे कैसे भी करके निकाल लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा अध्याय भी खत्म होगा और 48 घंटों के अंदर अंदर ना तुम थाने के बाहर होगी, और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये सब इस टीम के डब्बे की वजह से हुआ है। रॉन्ग एलिगेशन, मेरी वजह से नहीं, हसीना मैडम की वजह से। मैंने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए, तो उस हिसाब से रिश्वत मैंने नहीं हसीना मैडम ने ली है। वही भैया के साथ मैडम मुझे लगता है शायद हमें वो मिठाई का डब्बा चेक करना चाहिए, हो सकता है उस पे देने वाले के फिंगरप्रिंट्स हो। नहीं है, मैंने चेक किया है, बॉक्स पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। आमतौर पर क्रिमिनल्स अपने हाथ पर किसी प्रकार का सोल्यूशन लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स ना मिले। इसकी वजह से लगा है मैडम सर पे रिश्वत लेने का इल्जाम। पैसा इसने लिया, इंक्वायरी मैडम सर पे बैठ रही है इसकी स्टीन के डब्बे का राज राज रखने के लिए, जिसके अंदर ना दिल ना भावनाएं हैं, इसको तो आभास भी नहीं है उनके उनके इस एहसान का।
जिसने भी ये हरकत किया है ना, जिसने भी मैडम सर को फंसाया है, हम उसकी कुंडली में वो भगदड़ मचाएंगे ना पुष्पा जी, कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। अब सुनो तुम हमारा बात, मैडम सर को तो हम कैसे भी निर्दोष साबित कर देंगे, उसके लिए हमें जमीन फाड़ना पड़े या आसमान फाड़ना पड़े हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। बिल्ले तुम निकल यहाँ से, निकल। तुम्हारा ना बहुत चूरनगिरी हो गया है, अब समझो हमारी बात को, हम बनाएंगे तुम्हारा पर्सनल रिपोर्ट और भेजेंगे हेडक्वार्टर्स में। संतु तुम हेडक्वार्टर जा रही हो ना उनके किसी स्पेशल साइबर केस में उनका हेल्प करने के लिए? जी मैम। तो तुम ये रिपोर्ट हमसे लेकर जाओगी, उनको दोगी, ठीक है, और हमारे साथ टच में रहोगी इस टीम के डब्बे के मामले के लिए? जी मैडम। उनको बताएंगे ये जो टीम का डब्बा यहाँ भेज दिया ना, ये कितना खतरनाक है भविष्य के लिए, विकास नहीं हो तुम विनाश हो, और तुम्हारी प्रजाति को हम आगे पनपने नहीं देंगे, सुन लो हमारी बात को, जब तक तुम्हें खत्म नहीं करेंगे ना, हम चैन का सांस नहीं लेंगे। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए होते ना, तो आज मैडम सर को ये दिन ना देखना पड़ता। काश तुम्हें पता होता कि तुमने मैडम सर से क्या छीना है, तुमने उनसे उनका स्वाभिमान छीना है, और उसके लिए हम तो क्या थाने का कोई भी सदस्य तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अगर मैंने वो पैसे नहीं लिए होते तो मैडम सर पर ये इल्जाम नहीं लगता। इल्जाम वापस, स्वाभिमान वापस। स्वाभिमान? देखिए, हम आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं कि हम हसीना मलिक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सारा शहर इनका बहुत सम्मान करता है सर, जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी भी किसी का भी इन्होंने दिल नहीं दुखाया। महिला थाने पे जो भी आया ना, सबकी मदद की है इन्होंने। रिश्वत लेने जैसी ये निम्न स्तरीय और घृणित कार्य कर ही नहीं सकती। देखिए डीएसपी साहब, मैंने अपनी डिपार्टमेंटल सर्विस के दौरान बड़े बड़े ईमानदार अफसरों का ईमान डोलते हुए देखा है। आप इंक्वायरी होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। शुरू कीजिए। मैं मनीष कुमार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आपके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी माँ है नूर जहाँ बेगम, उन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी परवरिश की। क्या साधन थे उनके पास आपके ऊपर इतना खर्च करने के लिए, और आपकी एजुकेशन के लिए इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास? स्कॉलरशिप सर, हमारी पढ़ाई का सारा खर्चा कॉलेज ने उठाया था, और जहाँ तक बात परवरिश की है तो कुछ अब्बू की सेविंग्स थी और कुछ माँ की हिम्मत। इंटरेस्टिंग, काफी महंगा फोन लगता है ये। हमारी टीम ने अपनी सैलरी बचा बचा कर बर्थडे के दिन हमें ये गिफ्ट किया है। हाँ हाँ भाई, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ऐसी महंगी चीजें अक्सर गिफ्ट में तो ही मिला करती हैं। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी झोल झाल रहा है, फिर भी आपको पुलिस सर्विस मिल गई, कोई कोटा वोटा का चक्कर चला है क्या? जी नहीं सर, पढ़ाई में कोई झोल नहीं है, बस एक साल हम ठीक से पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अगले साल हमने पढ़ाई की, मेहनत की और कॉलेज को टॉप किया। कोई कोटा वोटा का चक्कर नहीं है सर, हम यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से पहुँचे हैं। महंगे फोन, महंगी गाड़ी, महंगी अंगूठी, शहर में दो दो प्लॉट्स, ऐसी लाविश लाइफ और फिर भी ईमानदारी का दावा? दावा नहीं है सर, हम ईमानदार हैं, हमारे खून में है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे, उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हम इसी सीख पर चलते आए हैं सर। महंगा फोन हमें हमारी टीम ने गिफ्ट किया, गाड़ी गराज वाले की है, अब सरकारी गाड़ी ठीक तो हो नहीं रही इसलिए उसी से काम चला रहे हैं। ये अंगूठी पुश्तैनी है सर, हमारी अम्मी ने दी है। हाँ जहाँ तक बात प्लॉट्स की है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसका इंस्टॉलमेंट हर महीने जाता है, सच कहें तो कब तक जाएगा पता नहीं, हो सकता है ना किसी दिन किसी झूठे रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में हमें फंसा दिया जाए, हम पर
इंक्वायरी बिठा दी जाए और हमारी जिंदगी भर की मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस पर एक मिनट में पानी फेर दिया जाए। सर प्लीज, हमने कोई रिश्वत नहीं ली है, हम बहुत ही ईमानदार हैं और हम अपनी ईमानदारी प्रूव करके दिखा सकते हैं, हमें बस 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। दे दीजिए ना सर, 24 घंटे ही तो मांग रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी लेता हूं, अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया तब आप कार्रवाई कर लेना सर। ठीक है डीएसपी साहब, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर मैं 24 घंटे देता हूं। मैं 24 घंटे के लिए ये ऑफिशियल इंक्वायरी को मुलतवी करता हूं, लेकिन हसीना जी 24 घंटे होते ही आपको डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होगा और अपनी सफाई देनी होगी। जी बिल्कुल सर, हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको निराश नहीं करेंगे। स्वागत है आप दोनों का महिला पुलिस थाना में। चीते बताओ इनका कुंडली। मैडम ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले हमारे थाना को रिश्वत देने का कोशिश किया है और मैडम सर उस रिश्वत को ठुकरा कर इनके खिलाफ एक्शन ले चुकी है। क्या पता कि खुन्नस में यही लोग मैडम सर को फंसाने की कोशिश किया हो। देखो भैया ऐसा है कि हमें साफ साफ बता दो कि किसने हमारे थाने में ASI मीरा को रिश्वत दिया। नहीं हम बहुत दिक्कत में चल रहे हैं, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ गया है, समझ रहे हो गंभीरता को तुम दोनों की दोनों। इसलिए ना साफ साफ बता दो कि हमारा दिमाग अभी ना बहुत गर्माया हुआ है। फालतू में हम इतना कूट देंगे तुम लोगों को, 6-7 दिन के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, हड्डियां वड्डियां टूट जाएगी, उससे अच्छा हिंसा नहीं करते हैं। साफ साफ जवाब दो, बताओ किसने दिया, किसने दिया रिश्वत। मैडम पिछली बार आपने इतना तोड़ा था कि तब से लेकर आज तक इससे काम चला रहे हैं, दाया कान काम करना बंद कर चुका है। और बाया? नहीं कुछ नहीं खाया। खाया नहीं बाया, बाया बोलो बोलो। तब से ये कान की मशीन से काम चला रहे हैं। तुम बोलो। पिछली बार मैडम जी जो तोड़िया किए थे उसमें 5 हड्डियां टूटी है, हाथ पांव में 5 रॉड पड़े, आपको लगता है कि हम बची कुची हड्डियां तोड़वा के रॉड डलवाना चाहेंगे। और मैडम जी हमने कोई रिश्वत विश्वत नहीं दिए। हाँ ये काम वही कर सकता है जो आपको जानता ना हो। हम दोनों तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते ही है। निकलो चखलो निकलो। ये दोनों नहीं है, ये कोई और है, लेकिन कुछ कुछ तो सुराग छोड़ा होगा, कुछ आखिरी रास्ता छोड़ा होगा ये सब काम करने से पहले। पुष्पा जी चीते ढूंढो, थाने का कोना कोना ढूंढो, मुआना करो हर एक चीज का, हर एक बारीकी से मुआना करो। हमें मैडम सर यहाँ चाहिए और वो बंदा भी यहाँ चाहिए, समझ लो। चीते इधर देख, हम इधर देखते हैं। वो वाले टेबल के नीचे ही मिला, क्या काम मिला? ये मिला रुमाल। बे पुष्पा जी ये 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 देखिए 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 बाल। हाँ वो बाल मिला। हम इसको भेजो फॉरेंसिक लैब में, जांच कराओ इसका, DNA टेस्ट कराओ, पता कराओ किसका बाल है ये। मैडम सर, मैडम सर आप कैसे आ गए, मतलब आपको क्लीन चिट मिल गया? हाँ। मतलब आप थाने वापस आ गई ना? हमें क्लीन चिट नहीं मिली है, हमें सिर्फ 24 घंटे का समय मिला है खुद की बेगुनाही साबित करने का, इसलिए जो करना है 24 घंटों में करना है। बहुत है 24 घंटे मैडम सर, बहुत है। उस आदमी को हम पकड़ कर लाएंगे या आपके सामने लाएंगे और आपको निर्दोष साबित करेंगे। अभी हमको ये बाल मिला है, ये हम फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं, पता लगाएंगे, जांच करेंगे कि किसका है ये। ठीक है पता लगाइए, देखिए क्या पता चलता है। मीरा कहाँ है? मीरा कहाँ है? कह
जाओ ऊपर देखो। दूसरी बार हुआ है कि मीरा थाने में से गायब हो गई। आप में से किसी को भी इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आ रही है? वैसे हमारे सर पर 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, ऊपर से ये बात पता चल गई तो डिपार्टमेंट पता नहीं कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा। जो होता है हो जाने तो भाड़ में जाइए टीम का डब्बा। ना मतलब ना कोई दिल है, ना भावनाएं है, ना समझ है, जो सिखाओ कुछ भी कर देती है वो। ऐसा टीन का डब्बा रख के हम क्या कर लेंगे मैडम सर, आप बताइए हमें। वो निकल जाए यहाँ से, वो नहीं निकलेगी तो हम निकालेंगे उसको। कितना कुछ हो रहा है उसके वजह से, कितना कुछ झेल रहे हैं हम सब। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी करिश्मा सिंह, हम ऐसा करने नहीं देंगे। डिपार्टमेंट ने उसे हमारी जिम्मेदारी पर भेजा है, जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक मीरा थाने से कहीं नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? जय हिंद मैडम सर। मीरा, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुमसे कहा है कि हमें बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमने वो पैसे नहीं लिए होते तो आज हसीना मैडम को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम जानती हो तुमने उनसे क्या छीना है, उनका स्वाभिमान। और इसके लिए हम तो क्या, इस पूरे थाने में तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। पुष्पा जी की ये बात सुनकर मेरे प्रोसेसर ने मुझे ये अलर्ट मैसेज दिया कि अगर मैं उस आदमी को ढूंढ दूं जिसने मुझे उस रात पटाखे और मिठाई दी थी तो मैं आप पे लगा इल्जाम वापस ले सकती हूँ। तुम क्या करने गई थी? मैं उस आदमी को ढूंढने गई थी मैडम सर। तुम आओ, तुम हमारे केबिन में आओ। देखो मीरा, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब तुम जानती ही नहीं हो कि रिश्वत क्या होती है, क्यों गलत है, क्यों गैर कानूनी है, तो फिर तुम क्या करते? बहरहाल अब हम तुम्हें समझाते हैं कि ब्राइब, घूस, रिश्वत ये क्या होती है और क्यों इतनी गलत होती है। जैसे कि कभी ये जो पैसे हैं ये बच्चों की स्कूल के फीस के नाम पर दिए जाते हैं, कभी ये पैसे भगवान के चरणों में देने हैं उसके नाम पर दिए जाते हैं, कभी इन पैसों से राशन पानी खरीदा जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं पैसों से हथियार भी खरीदे जाते हैं, और कभी ये पैसे अपना काम निकलवाने के लिए घूस के तौर पर, ब्राइब के तौर पर, रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं। ये वही पैसे हैं जो जिंदगी देते भी हैं और लेते भी हैं। कहीं ये भगवान है तो कहीं शैतान है, कहीं फरिश्ता है तो कहीं हैवान, कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट। एग्जैक्टली, इस पैसों के बहुत सारे रंग हैं, बहुत से रूप हैं, इसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हर किसी का अपना तरीका। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज एक्सप्लेन मैडम सर, इनमें से कौन से पैसे रिश्वत के, कौन से पैसे स्कूल फीस के, कौन से पैसे लीगल, कौन से पैसे इलीगल, कौन से पैसे राइट, कौन से पैसे रॉन्ग, कौन से पैसे ब्लैक, कौन से पैसे व्हाइट। पैसे तो पैसे हैं मैडम सर, इनको राइट और रॉन्ग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गजब मैडम, आप क्रांतिवीर फिल्म देखकर आ रही है क्या? बता कौन सा हिंदू का खून, कौन सा मुसलमान का खून, कौन सा, सॉरी 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 मैडम सर, ये सर ना फाड़ देगी और हमारा दिमाग खिसक गया तो हम इसको फाड़ देंगे, इसको बोलो चुप हो जाए। मीरा बिल्कुल सही कह रही है, पैसा सही या गलत नहीं होता, पैसा तो पैसा होता है। सही गलत होता है उसके पीछे का इंटेंशन, उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान, वो इसे सही काम के लिए इस्तेमाल करता है या गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। तुम ठीक कह रही हो मीरा, ब्लैक और व्हाइट पैसा नहीं होता, इंसान होता है। गुनहगार इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल होता है और हमें उस गुनहगार को पहचानना है, तभी हम सही और गलत पहचान पाएंगे।
इनफैक्ट तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी आज एहसास हो रहा है कि हम इंसान सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैडम सर, अगर आपका हो गया हो तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस रिश्वत खोर को पकड़ना है हमें जल्द से जल्द। उसको तो मैं पकड़ चुकी हूँ मैडम सर। कहाँ? कब? कहाँ? जब मैं यहाँ आई थी तब। वो तो कब बताओगी कहाँ है वो? पूछा ही नहीं मैडम सर ने। पूछे मैडम सर। कहाँ है वो आदमी? जल तू, जलाल तू, आई पलक तू, टाल तू, जला दू, नहीं, 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 जला दू, जली नहीं, ये नहीं, अभी